एक्यूट साइकोसिस के बारे में मैं आपसे आज बातचीत करने वाला हूं और आपको पेशेंट बताने वाला हूं। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केड़कर। मैं मनोविकार, व्यसन मुक्ति, सम्मोहन तथा सेक्स रोग तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूं। ये देखिए, मैं आपको पेशेंट बताऊंगा। इसको पेशेंट को बहुत इतना ज़्यादा वायलेंट हो गया, उसको बांध के लाना पड़ा, उसके पैर को चेन डाल दिया। बहुत ही वायलेंट था, अनकंट्रोल, मतलब मारपीट करना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन करना, छोटी छोटी बात के ऊपर एकदम गुस्सा करके मारपीट चालू करना, मन के खिलाफ कुछ हो गया तो मारपीट करना, सोना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं और कुछ वजह नहीं, अचानक ऐसा चालू हो गया उसको। कुछ पहले दिन जैसा उनको हमने हिस्ट्री पूछा तो कुछ पहले दिन कुछ, मतलब इसके जब एकदम ज़्यादा हो गया उसके पहले कुछ दिन से थोड़ा सा गुमसुम रहता था वो, बातचीत नहीं करना ज़्यादा, अपने आप अकेले अकेले रहना और नींद बराबर नहीं, ऐसा चालू था। फिर एकदम एकाएक ऐसा हो गया। तो देखिए पेशेंट, मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, अभी काफी वायलेंट है ये, कम से कम 4-5 साल से इसमें इनमें प्रॉब्लम चालू है। बाएं हाथ को फ्रैक्चर हो गया, मारपीट हो गई, किसी को गाली गलौज करना, नींद नहीं लेना, मारपीट करना, लोग भी इनको मारते, फिर घूमते रहते इधर उधर, कुछ दिन गायब भी हो गए थे। तो ये एक्यूट साइकोसिस है। बीच बीच में ये पूरे अच्छे हो जाते हैं, कमरे अच्छे रहते हैं, बिना दवाई के अच्छे रहते हैं, फिर एकदम ऐसा कोई झटका आ गया, कोई स्ट्रेस आ गया तो फिर ये एकदम वायलेंट हो जाते हैं। तो इसको हमने एडमिट करके इसका इलाज किया। इसमें हैलोपेरिडॉल नाम की जो दवाई है इंजेक्शन के रूप में हम देते हैं तो एकदम उसमें कंट्रोल में आ जाता है। फिर ओलेंजिपिन है, फिर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, तो फिर अलग अलग इंजेक्शंस है कि जो इंजेक्शन हम देते हैं। फिर सोना नहीं है तो फिर लोरेजिपाम का इंजेक्शन देते हैं, आईवी कुछ फ्लूइड्स वगैरह देना, आईवी इंजेक्शन देना ताकि वो शांत हो जाए। एक बार उसकी नींद हो गई, बहुत सारा फर्क पड़ जाता है। तो इसका इलाज हमने किया और वो काफ़ी, मतलब अभी अच्छा हो जाएगा। हमने इलाज चालू तो किया है और उसको 2-4 दिन में आराम पड़ जाएगा और बाद में फिर उसकी हम चेन निकालेंगे। हो सकता है कि इंजेक्शन के बाद शांत हो गया तो तुरंत भी चेन निकाल सकते हैं इसकी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।